ठेकेदार संतोष की हत्या के केस में पूछताछ के लिए उठाए गए युवक की मौत के बाद उसके परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने राजेश को इतना टॉर्चर किया कि उसे बाद में अस्पताल दाखिल कराना पड़ा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि 5 दिन पहले संतोष नामक ठेकेदार का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्यारोपी सोनू व उसके एक साथी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। सोनू के जीजा राजेश को भी पूछताछ के लिए थाने में ले जाया गया था। परिजनों का आरोप है कि पूछताछ के दौरान उसके साथ मारपीट व टॉर्चर से उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उसे पानीपत के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहां से उसे PGI रोहतक रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार का कहना है कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे टपाले अख सुबेरे छोड़ जाएंगे हम, इसका हाथ नहीं लगावांगे हम। वो तो जानते मार दिया इन्हें, सारे न जानते मार दिया, हमने के बेरा था ये जान तो मार देंगे। बस इतने किस टाइम ले गए थे? 10 बजे ले गए थे, रात को 10 बजे। या घरवाली या दुरानी है मेरी, मेरा देवर था साबत कलोनी में। नू पूछ ले छोरा मैं मरा सब ये को नहीं था कति मरा अभी। तो कोई कोई निशान वगैरह भी था किसका जो लेके आए? जो उन्हें तो जमा बट गए रखे, कति देखन भी नहीं दिया, देखन भी नहीं दिया। अपना आप पे तो उसमें प्रेम में ले गए, अपने आप रोहतक ले गए, किसी की हमारे परिवार की किसी की पूछताछ नहीं करी उन्होंने, किसी ने नहीं बढ़न देवन थे, किसी ने मिलन भी नहीं दिया, देखन भी नहीं दिया। उसकी बुरी हालत करके जान तो मार दिया सटा पाड़िया ने। कोई सरपंच गया गांव का, उसके भी नहीं मिलन दिया, वो भी बाहर निकाल दिया, चल चल नुके बाहर निकल। इतनी ना जी बड़े बड़े आदमी गए थे, सारे निकाल दिए बाहर, किसी तो मिलन भी नहीं दिया। राजेश की जो अभी तक हमारे पास इनिशियल रिपोर्ट है कि ब्रेन हेमरेज से उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम होना बकाया है। जो भी ऐसे पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ होती है, उसका एक प्रोसीजर है कि पुलिस कस्टडी डेथ को माननीय न्यायालय बहुत सीरियसली लेता है, और उसके लिए जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई, जिसको इंग्लिश में हम इंक्वेस्ट रिपोर्ट और 176 CRPC तहत कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई स्वयं मजिस्ट्रेट करते हैं। इसमें अभी रोहतक में हमारी टीम गई है, रोहतक में माननीय न्यायालय में रिक्वेस्ट करके एक मैजिस्ट्रेट रिपोर्ट करेगा। मैजिस्ट्रेट में सारी जो पोस्टमार्टम कार्रवाई हम लगाएंगे, ताकि कोई भी बात किसी द्वारा छुपी ना रह सके। उसके बाद एक जुडिशियल इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी जो फैसले कार्रवाई नहीं, ऐसा नहीं है कि CIA 2 ने उसे गिरफ्तार किया था। जो मेन मुलजिम है सतेंद्र, जिसके ऊपर काफी लूट डकैती के मुकदमे थे, और वो इस जो ये ठेकेदार का मर्डर हुआ था सुनील का, उससे मुख्य आरोपी है। वो उस दिन रात को इनके घटना के बाद इनके घर ठहरा था, इन्होंने उसी 216 में उसको आश्रय देने के उस पर ये पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान उसकी तबीयत खराब हुई है, तभी तो पुलिस ने तुरंत परिवारजन साथ लेके जहां भी हर समय इलाज था, चाहे यहाँ पानीपत मेडिकल में हो या फिर प्रेम हॉस्पिटल हो या फिर PGI रोहतक हो, तीनों जगह परिजन साथ रहे हैं, सारा इलाज उनके सामने हुआ है और डॉक्टरों के सामने सारी बात हुई। लेकिन फिर भी मैं उस बात पर ज्यादा कमेंट ना करते हुए, एक प्रोसीजर है कि जब भी कोई जुडिशियल कस्टडी के अंदर डेथ होती है, उसमें माननीय मजिस्ट्रेट एक इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी में अगर कोई भी पुलिस की लापरवाही पाती है, तो उस पुलिस के खिलाफ तक सख्त से कार्रवाई की जाती है।